देखो आज की क्लास में हम देख रहे हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। ये हम कल देख चुके थे कि अगर ये गैल्वेनोमीटर है, आईजी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट और आरजी इसकी कोइल रेजिस्टेंस है, तो वोल्टमीटर बनाने के लिए आपको सीरीज में बहुत ही हाई रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी। तो मेरा पहला सवाल यही है, ये ऊपर मैंने रेंज लिखी है 0 से V0 वोल्ट। पहला सवाल ये बनता है कि व्हाट इज द बेनिफिट, ये आपने सीरीज में इतना हाई रेजिस्टेंस लगाया वोल्टमीटर बनाने के लिए, ऐसा ही क्यों किया, इसका क्या बेनिफिट है? तो इसके दो बेनिफिट है। एक तो जो आप वोल्टेज मेजर कर रहे थे पहले गैल्वेनोमीटर से और अब इससे करेंगे तो एक्यूरेसी थोड़ी इंप्रूव हो जाएगी। एंड दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि जो रेंज है, पहले आप कम वोल्टेज तक मेजर कर पा रहे थे और अब थोड़ी ज्यादा वोल्टेज तक आप मेजर कर पाएंगे। तो मैं दोनों बातें आपको समझाता हूं। सबसे पहला बेनिफिट, इस पर ध्यान दें कि एक्यूरेसी कैसे इंप्रूव होगी। इस चीज पर आप ध्यान दीजिए कि एक्यूरेसी किस तरह से इंप्रूव होगी। देखिए मान लीजिए ये कोई एक्सटर्नल सर्किट है, दिस इज आर एक्सटर्नल, कोई भी एक सर्किट था, दिस वाज आर एक्सटर्नल और दिस इज अ पार्ट ऑफ अ सर्किट, इट इज अ पार्ट ऑफ ए सर्किट, और मुझे इसमें ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी और कोई करंट ऐसे आ रहा है आई, ये करंट आया और मुझे मेजर करना है VA माइनस VB। तो VA माइनस VB की जो एग्जैक्ट वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू बिना वोल्टमीटर लगाए, वो तो आ रही है I इंटू आर एक्सटर्नल, वो तो ये थी I इंटू आर एक्सटर्नल। अब ये बताओ वोल्टमीटर पैरेलल में लगाते हैं कि सीरीज में? वोल्टमीटर पैरेलल में, जहां भी आपको वोल्टेज मेजर करनी है इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस आप पैरेलल में लगाएंगे। तो मैंने पहले सीधा गैल्वेनोमीटर उठाया था, पहले मैंने केवल गैल्वेनोमीटर उठाया था वोल्टेज मेजर करने के लिए और इसकी रेजिस्टेंस थी आरजी, इसकी रेजिस्टेंस आरजी थी। अब वो काम अगर करेगा, उसकी निडल अगर घूमेगी तो तभी होगा जब उसमें कुछ करंट आया होगा। सपोज कीजिए इधर की तरफ करंट गया आई वन, तो भाई केसीएल इधर कितना करंट होता, आई माइनस आई वन। अब अगर मैं देखूं वी ए माइनस वी बी मेजर्ड, मेजर्ड तो वैल्यू वो आएगी जो अब इसके पास वोल्टेज है। अब देख के बताओ इसके पास कितनी वोल्टेज है, यहां से I माइनस आई वन इंटू आर एक्सटर्नल, आई वन नहीं माना मैंने यहां, आई वन नहीं है, इधर जो करंट जा रहा है दैट इज I माइनस आई वन। तो अभी ये जो वोल्टेज आई, जो एक्चुअल वैल्यू थी जिसको आप मेजर करना चाह रहे थे, अभी जो वोल्टेज आई उससे कम है या उससे ज्यादा है? कम है, फटाफट बोला करो आप, ये कम है इससे। अब देखिए तो इसका मतलब ये एरर हो रहा है यहां पे, तो एरर विल बी लेस, एरर विल बी लेस इफ आई वन इज लेस। एरर कम तब होगा जब आई वन कम हो, क्योंकि आई वन जितना कम होगा ये रिजल्ट उसके पास पहुंचेगा। आई वन है उधर की तरफ जाने वाला करंट, पैरेलल में करंट बढ़ता है इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस में, पैरेलल में जो करंट डिवाइड होता है वो इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस में डिवाइड होता है। तो अगर आप आई वन को कम चाहते हैं तो उधर की रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए, बताओ? ज्यादा होनी चाहिए, इट मींस आरजी शुड बी हाई। तो आरजी को हाई करने का क्या तरीका है कि आरजी के साथ मैं पैरेलल में अगर कुछ कनेक्ट करूंगा तो और भी कम हो जाएगी। तो आरजी को हाई करने का तरीका क्या है कि आप इसके साथ सीरीज में कोई रेजिस्टेंस लगा दो, सीरीज रेजिस्टेंस, और जितनी ज्यादा वो लगाओगे उतना ही आई वन कम होगा। यह बताओ पहला पॉइंट समझ में आया कि एक्यूरेसी कैसे बढ़ी है। ये याद रखना, अच्छे से याद रखना कि ये सीधे सवाल पूछे भी जा सकते हैं, ऑब्जेक्ट में ऑप्शन बना के पूछे जा सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर से जब आप ये बनाते हैं वोल्टमीटर तो सीरीज में एक बड़ा हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं, तो उसका पहला बेनिफिट ये है कि वो अगर अगर रेंज की दिक्कत नहीं थी, मान लो रेंज की दिक्कत तो तब आती जब गैल्वेनोमीटर यहां तक मेजर नहीं कर पा रहा था तो उससे आगे मुझे ये करना पड़ा। मान लो इतनी छोटी वोल्टेज आप मेजर कर रहे हो जिसको गैल्वेनोमीटर भी मेजर कर पा रहा था और वोल्टमीटर भी, तो ऐसे केस में जब आप गैल्वेनोमीटर से मेजर करोगे तो एरर ज्यादा होगा और लेकिन वोल्टमीटर बना के मेजर करोगे तो एरर
कम होगा यानी कि एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। पहला बेनिफिट तो हुआ ये। अब मैं आपको दूसरा और समझा देता हूं कि कैसे इसी तरीके से रेंज भी इंप्रूव होगी। कि ये जो हम सीरीज में रेजिस्टेंस लगा के देख रहे हैं उसे रेंज कैसे इंप्रूव होगी, ये तो मैं सीधा एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेके ही समझा देता हूं आपको। देखिए जैसे मान लो दूसरा बेनिफिट उसका बता रहा हूं, सपोज आपके पास गैल्वेनोमीटर कॉइल थी, आपके पास ये कोई भी गैल्वेनोमीटर कॉइल थी और इसमें से कुछ फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट जा पा रहा था जो हम रेंडम वैल्यूज अज्यूम कर सकते हैं। तो मानो कि आरजी था 10 ओम एंड इसमें से जो मैक्सिमम करंट जा सकता था आईजी वो था 10 मिली एम्पियर। तो अभी बताओ इसकी रेंज कितनी है, ये जो कितनी वोल्टेज तक ज्यादा से ज्यादा ये मेजर कर सकता है गैल्वेनोमीटर, भाई मैक्सिमम करंट ये आएगा। तो मैंने कल भी बताया था इसकी रेंज आती है 0 से आईजीआरजी, आईजीआरजी मतलब 10 × 10, तो ये गया 100 मिली वोल्ट। यानी कि अगर आप ओरिजिनल गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्टमीटर यूज करना चाहें डायरेक्ट कहीं मेजरमेंट के लिए, तो ये जो मैंने रेंडम वैल्यू सिलेक्ट की है ये केवल 100 मिली वोल्ट तक ही मतलब रेंज दे पा रहा है, इससे आगे की ये मेजर नहीं कर पाएगा। अब अगर मैं इसके साथ सीरीज में इसे अच्छा वोल्टमीटर बनाने के लिए इसके साथ अगर मैं सीरीज में सपोज कीजिए मैं 50 ओम और लगा दूं, 50 ओम, अब बताओ इसकी रेंज कितनी होगी। करंट तो इससे ज्यादा आ नहीं सकता, नहीं तो गैल्वेनोमीटर खराब हो जाएगा या निडल लास्ट तक पहुंच गए। अब बताओ इसकी रेंज कितनी होगी, कितना टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा इसका सीरीज में, टोटल रेजिस्टेंस 60 और मैक्सिमम करंट आ रहा है 10 मिली एम्पियर, तो इसकी रेंज 10 × 60 0 से 100 थी और अब कितनी होगी, 0 से 600 मिली वोल्ट। तो ये जितनी हाई आप करोगे, आप 50 की बजाय 90 ले लीजिए, 90 + 10 ये 100 हो गया, 100 × 10 1000 मिली वोल्ट तक चला जाएगा। यानी कि आप जितनी रेंज बढ़ाना चाहोगे उतनी ही हाई रेजिस्टेंस आप यहां लगाते चलो। तो अभी आप ये बताओ कि आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया है या नहीं, दोनों पॉइंट्स की मैं लास्ट कंक्लूजन दे रहा हूं, पर याद इतना रखो, सोच बाद में लेना कभी एग्जाम में भी जरूर पड़े तो, याद रखो ये दो बातें, तो कि अगर आप गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बनाना चाहते हो तो उसके सीरीज में बहुत हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कीजिए। उसके दो बेनिफिट है, पहला बेनिफिट एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट बढ़ती है, और दूसरा बेनिफिट कि अगर वो वहां तक मेजर नहीं कर पा रहा था तो आप और आगे तक मेजर करेगा, यानी कि रेंज भी बढ़ेगी। और यही दोनों चीजें, यही सेम चीज एमीटर में बनेगी, लेकिन पहले हम वोल्टमीटर पूरा करें अपना। क्या ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए, ठीक है अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं ये देखूं कि वो जो सीरीज रजिस्टर लगाना है वो कितना लगाना होगा वो देखें, मतलब जैसे आपको एक गैल्वेनोमीटर दिया गया है और उसके बारे में दो बातें बता रखी हैं, एक आईजी और एक आरजी। गैल्वेनोमीटर के बारे में दो बातें बता रखी हैं, एक आईजी और आरजी। मुझे बोला गया है कि भाई तुम एक वोल्टमीटर बना दो लेकिन उसकी जो रेंज है, उसकी जो रेंज है वो 0 से लेकर V0 तक होनी चाहिए। ये है, इसकी तो बहुत कम रेंज थी, इसकी तो रेंज 0 से लेके बस आईजी आरजी तक ही थी, लेकिन अब जो रेंज है वो 0 से V0 तक जानी चाहिए, ये पूछा गया। तो उसके लिए सीरीज रजिस्टर क्या लगाए, क्वेश्चन में ये दिया होता है, ये दिया होता है, ये दिया होता है और आपसे पूछ लेते हैं कि बताओ सीरीज रजिस्टर क्या लगाए, तो तरीका क्या होगा। हम एक बार अपना सर्किट डायग्राम बना के देखें। मान लो यहां पे एक गैल्वेनोमीटर कॉइल रजिस्टेंस थी आरजी, हमने उसके साथ सीरीज में लगा दी बहुत हाई रेजिस्टेंस ताकि वो वोल्टमीटर बने, मैंने उसके साथ सीरीज में आरएस लगा दिया। जब आपने सीरीज में कुछ करंट दिया ना, रेजिस्टेंस लगाया है, तो करंट के तो पाथ बढ़ाए नहीं, दो रास्ते तो है नहीं, करंट को तो यहां से होके निकलना होगा, मतलब आरजी में करंट की रेंज नहीं बढ़ी। पहले भी मैक्सिमम करंट इतना ही था और अब भी इस ब्रांच में मैक्सिमम करंट इतना ही, क्योंकि कोई बंटवारा तो ही नहीं, वो पूरा करंट जा रहे हैं, तो आई मैक्स इस रास्ते अभी भी इतना ही होगा। तो अब आप ये बताओ इसकी रेंज कितनी होगी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल देके भी बताया था, जब पूरा आईजी जाएगा तो मैक्सिमम वैल्यू यहां वी मैक्स कितना हो पाएगा,
आर जी आर एस नहीं, आर जी प्लस आर एस इंटू आई जी, और यही तो रेंज है। ये रेंज बन गई, ये रेंज हट गई और ये रेंज बन गई, और रेंज क्वेश्चन में दी होगी कहां तक बनानी है, वी नोट तक। तो आप इसको इक्वेट कर दो वी नोट से, इट मींस आई जी इंटू आर जी प्लस आर एस दिस इज इक्वल टू वी नोट। मुझे निकालना है सीरीज रजिस्टर, इसको उधर भेजो, तो आर जी प्लस आर एस दिस इज कमिंग आउट टू बी वी नोट बाई आई जी, एंड यहां से जो आर जी आया ना, आर एस निकालना था, आर एस आया वी नोट बाई आई जी माइनस आर एस। पहला फॉर्मूला ये है वी नोट बाई आई जी माइनस आर जी, पहला फॉर्मूला आपका ये है जो आपको डायरेक्ट याद रखना है वोल्ट मीटर है और ये कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस के लिए, कि अगर कोई गैल्वेनोमीटर है जिसके आई जी आर जी आपको दे रखे हैं, आई जी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, आर जी उसकी कोइल रेजिस्टेंस, और आपको एक नया वोल्ट मीटर बनाना है जिसकी रेंज है वी नोट, तो जो सीरीज में रजिस्टर लगाना होगा उसका ये फॉर्मूला है, याद हो जाएगा ये वी नोट अपॉन आई जी माइनस आर जी। और इसमें स्पेशल केस, वो तो आपको क्वेश्चन देख के वैल्यूज देख के पता करना पड़ेगा, स्पेशल केस कई बार ये होगा क्वेश्चन में कि आर जी बहुत कम होगा आर एस से, बहुत बार ऐसा होगा सवाल में कि आर जी बहुत कम होगा आर एस से, अगर आर जी बहुत कम होगा तो आर जी प्लस आर एस को मैं नियरली क्या लिख सकूं, क्या लिख पाऊंगा, आर एस, और वो डायरेक्टली बराबर आ गया वी नोट बाई आई जी, ये सीधा इसके बराबर आ गया। चले क्वेश्चंस तो आपको समझ में आ ही गए हैं, अब मैं इस पे एक क्वेश्चन लेता हूं। बुक है आपके पास एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, अभी खोल सकते हो ना, पेज नंबर 172 निकालो, ये चैप्टर 4 का लास्ट पेज है, चैप्टर 4 का लास्ट पेज, पेज नंबर 172, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये मैग्नेटिज्म चैप्टर का ही है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट वाले चैप्टर का ही है, लेकिन हमारे टेस्ट में पूरी उम्मीद है कि इन पे क्वेश्चन आएंगे, बिकॉज एचसी वर्मा में यहां दिया हुआ है। हाँ जी, पेज नंबर 172 पे क्वेश्चन नंबर आप लीजिए 4.27, ये हम करते हैं यहां पे ये कन्वर्जन और ये सब चीजें समझने के लिए। देखो हम लेके चल रहे हैं एनसीईआरटी पेज नंबर 172 एंड क्वेश्चन नंबर 4.27, ये हम लेके चल रहे हैं 4.27। सीधा देखो इसमें क्या क्या दिया गया है, गैल्वेनोमीटर कोइल हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम, गैल्वेनोमीटर कोइल हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम, मतलब आपको दे दिया आर जी, आर जी सीधा दे दिया 12 ओम, एंड द मीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ 3 मिली एम्पियर, तो ये क्या दिया है आई जी 3 मिली एम्पियर। हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इंटू अ वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0 टू 18 वोल्ट, तो 0 से 18 मतलब 0 से 18, तो आपको ये दे दिया वी नोट 18 वोल्ट। आपको केवल ये बताना है कि कैसे वोल्ट मीटर बनेगा, तो भाई वोल्ट मीटर बनाने के लिए तो इसके सीरीज में कुछ लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला है आर एस वी नोट बाई आई जी पहले कैलकुलेट करो, अगर आर जी उसमें से घटाना पॉसिबल हो तो घटा दो, और अगर आर जी बहुत छोटा हो तो नियरली यही आंसर दे दो, पहले वी नोट बाई आई जी, ये देखो वी नोट बाई आई जी कितना आ रहा है, यहां से बताओ वी नोट बाई आई जी कितना आया, 18 अपॉन 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 कितना आया 6000 ओम, ये आपका आ गया 6000 ओम। अब आर जी आपको 12 दे रखा है यार, मैं 6000 में से तो 12 आसानी से घटा सकता हूं, अगर होता ना कि ये आ गया 6 इंटू 10 टू पावर 6 और ये 12 है तो कोई घटाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन 6000 में से तो 12 घट भी सकता है 8895। आप एक बार पीछे आंसर चेक कर लो, ये 6000 दिया है या घटा के दिया, वैसे तो इसमें तो घटाना पॉसिबल था, 5988 ओम आ रहा है कि सीरीज में लगाना पड़ेगा। क्या दिया है पीछे, किसी ने देखा हो तो आंसर, ठीक है
कई बार जैसे ये घटाना पॉसिबल नहीं होगा, बहुत छोटा होगा आगे, तो हम वही आंसर दे देंगे। तो आप ये बताओ, क्या पहला टॉपिक समझ में आया कि कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इंटू वोल्टमीटर? अब इसमें मैं एक दो बातें आपको ये बताता हूं कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस कितनी है, अगर वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस पूछी जाए तो R वोल्टमीटर, वोल्टमीटर के अंदर दोनों सीरीज में है तो दैट विल बी इक्वल टू आर जी प्लस आर एस, और अगर आर जी बहुत छोटा है R सीरीज से, R सीरीज से, तो R वोल्टमीटर नियरली आपका आर एस हो जाएगा। एंड फॉर आइडियल वोल्टमीटर, फॉर आइडियल वोल्टमीटर आर वी टेंड्स टू इंफिनिटी, तो इंफिनिटी का मतलब है उस साइड कोई करंट नहीं जाएगा, तो उसको आप सर्किट में से हटा सकते हैं। हमने एक दिन काफी दिन पहले आपके लिए कोई वीडियो लेक्चर ऐसे दिए होंगे, साइड टेंथ के लिए रिकॉर्ड किया, आपको दिए थे कि अगर आइडियल वोल्टमीटर और एमीटर लगाते हैं तो एमीटर को तो कनेक्टिंग वायर से रिप्लेस कर देते हैं और वोल्टमीटर को हटा देते हैं, तो हटाने का कारण यह है कि उसकी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होती है। तो यह पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा जो मैंने अभी बताया। अब देखो, मैं आपको, वोल्टमीटर आइडियल तब होता है जब बहुत ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस हो। एक लास्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, फिर हम एमीटर कन्वर्जन पे चलेंगे, जस्ट ये बताने के लिए कि रेजिस्टेंस की, सॉरी वोल्टेज की रेजिस्टेंस ज्यादा होने का फायदा क्या है। मान लो मैं कोई सर्किट लू, मैंने एक ये रेजिस्टेंस लिया 100 ओम एंड दिस इज 300 ओम, मैं इस 300 ओम वाले रजिस्टर के पास कोई वोल्टमीटर लगाता हूं इसके पैरेलल में, इसको मैं 200 कर देता हूं, थोड़ा सा कैलकुलेशन की तरफ सोचते हैं ये, और बाहर मैंने लगा दिया एक वोल्टमीटर, बैटरी आप मान लो 100 वोल्ट की। अब सवाल ये है कि फाइंड द वोल्टमीटर रीडिंग, आपको वोल्टमीटर रीडिंग देनी है, फाइंड द वोल्टमीटर रीडिंग। फर्स्ट पार्ट, इफ वोल्टमीटर इज आइडियल, सपोज पहला केस तो ये है कि वोल्टमीटर आइडियल है तो उसकी क्या होगी। सेकंड पार्ट में ले रहा हूं कि 300 के साथ 600 ले लीजिए, कि इफ वोल्टमीटर रेजिस्टेंस इज 600 ओम, और थर्ड में उसे आइडियल कैटेगरी की तरफ रखना चाहेंगे लेकिन बिल्कुल आइडियल भी नहीं लेंगे। तीसरा हम लेते हैं कि इफ आर वी इज 6 मेगा ओम, ये काफी ज्यादा हो गया। तो इन तीन पार्ट्स के साथ हम कुछ चीज समझ रहे होंगे कि कैसे रीडिंग सुधरती है। आइडियल का तो मतलब है कि अगर ये नहीं भी लगा रखा होता तो क्या रीडिंग होती। आप आइडियल वाले आंसर दो, कितने वोल्ट रीडिंग आती, करंट कितना होता आइडियल वाले केस में, पूरे में से, पूरे सर्किट में? हाँ जी, करंट कितना होता? आइडियल वाले केस में करंट कितना होता, ये तो हट ही जाता, करंट कितना होता? अब यहां ये दोनों सीरीज में हो गए 200 और 300, 500 ओम, पूरे लूप में केवल 500 ओम की रेजिस्टेंस और 100 वोल्ट की बैटरी, तो करंट कितना होगा? I बराबर V बाई R, 100/500, यानी कि 1/5 एम्पियर। ध्यान से करो यार, ये छोटी छोटी गलतियां नहीं, 100/500 अगर ये आइडियल है तो। फर्स्ट पार्ट के लिए मुझे तो केवल इसका रेजिस्टेंस देखना है, तो 1/5 आया, तो ये प्लस ये माइनस, और यहां ड्रॉप होगा आई इंटू आर, 1/5 × 300, तो कितनी रीडिंग आई, क्या रीडिंग आई जब आपने कुछ कनेक्ट नहीं किया था? तो देखो एक बार फिर से सुन लो, 300 और 200 500 करंट है, आई होता है वी बाई आर, तो 100/500, और ये आपका आ गया 1/5 एम्पियर, एंड देन आपको, आपने इससे मल्टीप्लाई किया, तो यानी कि फर्स्ट पार्ट का आंसर आ रहा है कि वोल्टमीटर रीडिंग अभी होगी 60 वोल्ट। अब सेकंड पार्ट, अगर वोल्टमीटर की एक ठीक ठाक रेजिस्टेंस दे दी 600 ओम, तो आपको उसे रिप्लेस कर देना है उसकी रेजिस्टेंस से, आपको इसे रिप्लेस कर देना है इसकी रेजिस्टेंस से। अब मैं बताता हूं रीडिंग कैसे आएगी।
600 और 300, अभी पहले हम करंट बाद में निकालेंगे, 600 और 300 का पैरेलल में क्या बनेगा आर इक्विवेलेंट, 600 और 300 का पैरेलल में क्या बनेगा, आप आंसर बताओ 600 और 300 का पैरेलल में क्या बनेगा, 600 इंटू 300 अपॉन 600 प्लस 300, मैंने कई बार ये करवाया, 6 और 3 का 2 होता है पैरेलल में, तो 600 और 300 को अगर आप हटाओगे तो वोल्टमीटर वाली जगह पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना वो बना केवल 200, 200 और 200 टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया सर्किट का 400 ओम, तो जो करंट अब आएगा 100/400, यानी कि अब जो करंट आया वो आया 1/4 एम्पियर, और अब जो रीडिंग दिखेगी 1/4 × 200 कितना वोल्ट, 50 वोल्ट, पिछली बार क्या आंसर आ रहा था वो लिखा हुआ बोर्ड पे 60, अब जो वोल्ट मीटर रीडिंग देगा 50 वोल्ट, यार 10 वोल्ट की कमी तो बहुत भारी कमी है, 60 से 50 होना तो बहुत भारी कमी है, परसेंटेज एरर की बात करें तो डिफरेंस है 10 अपॉन ओरिजिनल वैल्यू 60 × 100, इतना बड़ा परसेंटेज एरर आ गया है इसमें। अगर तीसरा केस लें, तीसरा केस तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी 6 मेगा ओम इन पैरेलल, अब देखो आप थर्ड केस में यहां करवा रहा हूं, यहां जो रेजिस्टेंस लगी थी कितनी थी 300, और इसके पैरेलल में लगा दी 6 मेगा ओम, 6 × 10^6 ओम, अब देखो अगर आप आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो हमें पता है छोटे से भी छोटी आती है, तो 300 से कम आएगी पैरेलल में, परंतु अगर आप निकालने की तरफ जाएंगे आर इन दोनों का, R1 R2 300 × 6 × 10^6 डिवाइडेड बाई R1 + R2, अब R1 + R2 करोगे तो 300 में 6 के आगे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, ये देखो क्या आया 300 इंटू ऊपर है 1 2 3 4 5 6 और नीचे है जब ये 300 जुड़ेगा तो 2 3 3 0 0, ये बना, इनको आप नियरली कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि इतनी आगे जाके 300 और जुड़ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर कोई चीज इतने रुपए की है उतना आगे जाके आप 300 और ऐड कर रहे हो तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता इसमें, तो ये नियरली आपने काट दिए, तो आर अभी भी नियरली 300 है, और 300 का मतलब तो ये आइडियल की तरह बिहेव करने लग गया, मतलब जितनी हाई रेजिस्टेंस होगी वोल्टमीटर का उतना ही वो नियर टू आइडियल केस हो जाएगा, क्या ये समझ में आ गया है कि नहीं सभी को, हाँ जी क्लियर है, बताओ ये तीनों केस, तो ये तो हमारा काम हुआ कि कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, इसमें जो एनसीईआरटी में जहां है मैंने आपको थोड़ा आइडिया दे दिया है, अभी इस टॉपिक को दोबारा लेंगे अगली यूनिट में, कब, जब हम गैल्वेनोमीटर पढ़ चुके होंगे कि गैल्वेनोमीटर होता क्या है, और वहां कुछ और भी टर्म्स पढ़ेंगे, करंट सेंसिटिविटी ऑफ एमिटर, वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये सब चीजें बाद में, अभी केवल इतना जितना आपका सर्किट पार्ट में आ सकता है वो वाला पार्ट, तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इंटू वोल्टमीटर, हम वोल्टमीटर के बाद आ रहे हैं इंटू एन एमीटर, कोशिश करेंगे लगभग वही सारे काम रिपीट हो जो अभी वोल्टमीटर के लिए किए, तो शुरुआत हमारी यूं होती है कि सबसे पहले मुझे एक वोल्टमीटर दिया गया था जिसकी रेजिस्टेंस आरजी है और जिसमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है आईजी, इसकी लिमिट एज ए करंट मेजरमेंट अगर आप देखें तो इसकी लिमिट बस जीरो से और आईजी तक ही जा रहा है, आईजी माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर में रह लेता है और हमें तो करंट एम्पियर तक के मेजर करने होते हैं, तो कल मैंने बताया था ये वोल्टमीटर नहीं है, सॉरी ये है गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर है, हमें इसको कन्वर्ट करना है एक एमीटर में, एक एमीटर में जिसकी रेंज है जीरो से आई नोट, आई नोट काफी ज्यादा है इससे आईजी से, तो बताओ क्या किया था कल, सीरीज में रेजिस्टेंस लगानी है पैरेलल में, और छोटी लगानी है बड़ी लगानी है, बहुत छोटी, और उसको नाम हमने दिया था संट, उसको नाम दिया था संट, आपको करना क्या है कि अगर ये एक गैल्वेनोमीटर था
आपको एमीटर बनाना है तो आप इसके पैरेलल में एक बहुत छोटी रेजिस्टेंस लगा दीजिए, जिसको हम नाम देंगे संट रेजिस्टेंस। और अब ये जो बन गया, ये जो पूरा बना, इसको हम बोल देंगे कि ये एक एमीटर बना है। ये बन गया एक एमीटर। अब पहला सवाल वही आता है कि ये पैरेलल में छोटी रेजिस्टेंस लगाने का क्या बेनिफिट है? तो आप ये बताओ, मैंने वोल्टमीटर में क्या बेनिफिट बताए थे आपको? एक्यूरेसी बढ़ती है, और सेकंड एक्यूरेसी बढ़ती है, और दूसरा क्या फायदा था? बोलो यार, कैसे चुप हो गए आप? तो पहला फायदा एक्यूरेसी बढ़ती है, और दूसरा फायदा मैंने बताया था कि रेंज इंक्रीज हो जाती है। एक्यूरेसी बढ़ती का मतलब है कि जो आइडियल केस है वैसा रिजल्ट आप देने लग जाते हो, और दूसरा फायदा था कि रेंज इंक्रीज होने लग जाएगी। अब मैं पहले तो एक्यूरेसी वाली चीज एक्सप्लेन कर देता हूं कि कैसे वो इंक्रीज हुई है ये काम करने से। आप बताओ, ये कोई एक्सटर्नल सर्किट है, ये कोई एक एक्सटर्नल सर्किट है, और इसमें से करंट जा रहा था आई। आप करंट मेजरमेंट के लिए एमीटर सीरीज में लगाते हैं कि पैरेलल में? सीरीज। मान लो मैंने यहां पहले गैल्वेनोमीटर लगा दिया, पहले इस करंट को देखने के लिए मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, तो एक दिक्कत आती है। क्या? जैसे ही आप गैल्वेनोमीटर लगाओगे, सर्किट की रेजिस्टेंस बढ़ गई। बढ़ क्यों गई? क्योंकि आपने गैल्वेनोमीटर सीरीज में लगाया है। पहले सर्किट की रेजिस्टेंस थी आर एक्सटर्नल, और अब सर्किट की रेजिस्टेंस हो गई है आर एक्सटर्नल प्लस आर जी। बाहर से सप्लाई तो हुई है, लेकिन आपने सर्किट की रेजिस्टेंस बढ़ा दी। तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका मतलब एक्चुअल वैल्यू तो आप मेजर ही नहीं कर पा रहे हो। आपका ये फिट होते ही यहां पे करंट की वैल्यू कम हो जाएगी गैल्वेनोमीटर यहां लगा के। अब एक्यूरेसी कैसे बढ़ेगी? ये गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस जितनी कम होगी, आर जी जितना कम होगा, आई उतना ही एक्यूरेट होता चलेगा। क्योंकि आर जी टेंड्स टू जीरो होगा तो सर्किट की रेजिस्टेंस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। आर जी को छोटा करना है, किसी चीज की रेजिस्टेंस कम करनी हो तो हमें सीरीज में नहीं, हमें पैरेलल में कुछ लगाना चाहिए। और पैरेलल में जो सबसे छोटा होता है, रिजल्टेंट उससे भी छोटा आता है, इक्विवेलेंट। तो अगर आर जी चाहे अपने आप में बहुत बड़ा हो, आर जी चाहे 1000 ओम हो, अगर मैंने संट रेजिस्टेंस 1 ओम का लगा दिया तो इक्विवेलेंट तो 1 से छोटा ही आएगा, क्योंकि पैरेलल में हमने बता रखा आपको। तो इसका मतलब इसकी रेजिस्टेंस कम करें, ताकि सर्किट में जो करंट पहले फ्लो कर रहा था वही इसको फिट करने के बाद फ्लो करे, ताकि सही मेजरमेंट हो। तो उसके लिए हमने कम करने के लिए इसकी रेजिस्टेंस को इसके पैरेलल में एक बहुत ही छोटा रेजिस्टेंस लगाया, ताकि ताकि आर एमीटर या जो भी बना टेंड्स टू जीरो हो जाए। ये बताओ एक्यूरेसी कैसे बढ़ी? क्या समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, देखो सुनो, दोबारा से सुनो, ध्यान से सुनो। ये एक सर्किट था, इसमें कोई 10 ओम रेजिस्टेंस लगी हुई थी। सपोज आपने, मैं एग्जांपल के साथ ले रहा हूं, सपोज आपने नीचे से बैटरी लगा रखी है 20 वोल्ट की, तो बताओ अभी करंट कितना फ्लो कर रहा है वी बाई आर से? बोलो यार, जल्दी बोलो, कितना करंट फ्लो कर रहा है? 2 एम्पियर। ठीक है, अब मैं ये 2 एम्पियर करंट मेजर करना चाहता हूं, उसके लिए मैंने सीरीज में इस 10 ओम के सीरीज में एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, और गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस भी मुझे दे रखी है 10 ओम। तो मैंने वो मेजर करने के लिए ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया, 20 वोल्ट की बैटरी है, 10 ओम का ये और 10 ओम का ये। अब सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी होगी? है टोटल 20 ओम। तो अब बताओ करंट कितना फ्लो करेगा? 1। तो ये तो बड़ा घटिया, मतलब बड़ा बेकार वोल्टमीटर है, कि 2 एम्पियर को मेजर करने के लिए लगाया था और ये हमें दिखा रहा है कितना, 1 एम्पियर। तो ये इनएक्यूरेट है, एक्यूरेट नहीं है। अगर आर जी 10 ओम की बजाय 1 ओम होता, वो कैसे होता? वो कैसे होता इतना कम? जो भी 10 ओम था, जो भी 10 ओम था, उसके पैरेलल में अगर आप एक छोटा रेजिस्टेंस लगा दोगे तो हमें पता है कि
पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट जो सबसे छोटा है उससे भी छोटा आएगा। मान लो ये 10 है और नीचे मैंने लगा दिया 2, अब इसका इक्विवेलेंट कितना बन गया, 10 इंटू 2 अपॉन 10 प्लस 2, 20/12, तो काफी कम हो गया, ये 2 से भी छोटा हो गया ओवरऑल। पहले जो रेजिस्टेंस 10 था वो 2 से भी छोटा हो गया। मान लो मैंने यहां 1 लगा दिया, 1 ओम, तो ये बना 10 इंटू 1 अपॉन 10 प्लस 1, 10/11, 10/11 इज नियरली 1 ओम। तो ये रेजिस्टेंस जो पहले 10 ओम थी अब 1 ओम होगी, तो क्या अब सर्किट की रेजिस्टेंस में कोई बहुत भारी फर्क पड़ा है क्या भाई? पहले 10 ओम थी अब 11 ओम होगी, तो अब जो करंट चलेगा 20/11 ये भी नियरली पूरा ही है, नियरली कितना है 2 एम्पियर। तो आप बताओ एक्यूरेसी कैसे बढ़ी उस कनेक्शन से, समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा फायदा वही सेम है कि रेंज इंप्रूव हो जाती है। क्या वो खुद समझ सकते हैं क्या वो मैं करवाऊं यहां पे, बताओ एक मिनट। देखो कोई जवाब नहीं आया, मैं समझा ही देता हूं रेंज कैसे इंप्रूव होगी। देखिए ये गैल्वेनोमीटर कॉइल थी 10 ओम की और इसमें मैक्सिमम करंट मुझे बोला गया कि भाई 10 मिली एम्पियर तक ही जा सकता है, बस 10 मिली एम्पियर तक। तो फिलहाल जो ये एमीटर था उसकी रेंज तो थी 0 से 10 मिली एम्पियर, बस इतनी थी। मैंने क्या किया, इसके पैरेलल में, देखो इसके पैरेलल में मैंने एक बहुत छोटी रेजिस्टेंस लगा दी, सपोज कीजिए 1 ओम, इसके मुकाबले 10 गुना कम। अब आप ये बताओ कि मैक्सिमम करंट बाहर से कितना आ सकता है, गैल्वेनोमीटर में से कितना जा सकता है, पुरानी के अकॉर्डिंग गैल्वेनोमीटर में से कितना जा सकता है, 10 मिली एम्पियर। तो जो करंट आया होगा उसके दो हिस्से हुए होंगे, कुछ इधर गया होगा कुछ इधर गया होगा। मैं इसको I1 बोलता हूं, इसको I1 बोलता हूं, इसको I2 बोलता हूं, तो I1/I2 पैरेलल में इनवर्स रेशियो में करंट जाता है, I1/I2 होगा इनवर्स रेशियो 1/10, तो I2 बराबर आ गया 10 टाइम्स I1। I1 कितना था 10 मिली एम्पियर, तो I2 आपका हो गया 100 मिली एम्पियर, यानी कि 100 मिली एम्पियर तो ये रहा, तब 10 मिली एम्पियर ये है। तो बताओ बाहर से कितना आ रहा है, इस समय बाहर से कितना है जब 10 उधर गया और 100 इधर गया, 110। यानी कि अब इस सर्किट में जो मैक्सिमम करंट एंटर कर पा रहा है वो 110 है। पहले इसकी रेंज थी 0 से 10 मिली एम्पियर और अब एक और लगा दो, अब इसकी रेंज होगी 0 से 110 मिली एम्पियर। तो बताओ इस कनेक्शन से रेंज कैसे बढ़ी, क्या ये क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, आप इसको और छोटा करो रेंज और बढ़ जाएगी। आप इसको और छोटा करें, सपोज कीजिए मैंने 0.1 ओम कर दिया, 0.1 ओम, तो यह बनेगा 0.1/10, 0.1/10 इज 1/100, तो दिस इज 100 टाइम्स I1, तो दिस इज 1000 मिली एम्पियर। अब 1000 यहां आया और 10 वहां गया, तो टोटल बाहर से आ रहा होगा 1010, 1010 मिली एम्पियर। तो अब 110 भी नहीं, अब इसकी रेंज होगी 1010 मिली एम्पियर। तो इस तरह से फटाफट रेंज बढ़ती जा रही है। ठीक है, दोनों पॉइंट्स क्लियर है कि एक तो एक्यूरेसी बढ़ी और दूसरा पॉइंट की रेंज बढ़ी। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बताना, ये जो नीचे कनेक्ट कर रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, शंट रेजिस्टेंस, एस से डिनोट करते हैं। देखो एक बात सुनो, वोल्टमीटर एक्सटर्नल सर्किट के पैरेलल में लगता है, वोल्टमीटर एक्सटर्नल सर्किट के पैरेलल में लगता है, लेकिन वोल्टमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के सीरीज में कुछ लगाना पड़ेगा। एमीटर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के सीरीज में लगता है, एमीटर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के सीरीज में लगता है, लेकिन एमीटर बनाने के लिए आपको गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कुछ लगाना पड़ेगा। तो ये दोनों बातें इस तरह से हैं, आप ध्यान रखना। अब वही काम हम करते हैं कि संट कितना लगाएं, जैसे वहां हमने आरजी का एक फॉर्मूला निकाला था कि आरजी कितना ले, अब यहां बात करेंगे कि संट की वैल्यू क्या ले कोई भी एक पर्टिकुलर रेंज का एमीटर बनाना हो तो, और एक फॉर्मूले की तरह वो निकाल के लाएंगे और फिर उस पर क्वेश्चन लेंगे, एनसीईआरटी से ही ले लेंगे। देखिए मान लीजिए आपको ये दिया गया है कि ये एक गैल्वेनोमीटर था और उसके बारे में दो बातें बता रखी है, कॉइल रेजिस्टेंस आरजी एंड फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट आईजी, और मुझे बोला गया कि भाई इसको एक एमीटर बनाओ,
आप इसको एक एमीटर बनाओ जिसकी रेंज हो जीरो से आई नोट, ये तो उसके लिए मैं संट क्या कनेक्ट करूं, पैरेलल में जो आप संट कनेक्ट करेंगे उसका क्या फॉर्मूला आएगा वो हमें देखना है। तो देखिए तरीका सुने, अब सर्किट पे जाएं कि ये गैल्वेनोमीटर कोइल रेजिस्टेंस है, आपको एमीटर बनाना है तो उसके लिए आपने इसके पैरेलल में कोई संट रेजिस्टेंस लगा दी। अब अगर मैं लिमिटिंग केस की बात करूं, लिमिटिंग केस, तो लिमिटिंग केस ये है कि इसमें करंट जाना चाहिए IG और उसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या है, बाहर से कितना करंट आ सकता है मैक्सिमम I नोट, यानी कि जब I नोट आ रहा होगा तब यह IG जा रहा होगा, क्योंकि आपने अगर इसे थोड़ा सा और बढ़ा दिया तो ये थोड़ा सा और बढ़ेगा, ये थोड़ा सा और बढ़ते ही तो फिर गैल्वेनोमीटर काम नहीं करेगा, बस यही तक का है ये। तो अगर बाहर से आई नोट आया तो इधर आईजी गया, तो भाई केसीएल नीचे कितना गया, बाहर से आई नोट आया इधर आईजी गया, तो भाई केसीएल नीचे कितना गया, आई नोट माइनस आईजी। अब आप इस लूप में घूम जाओ केवीएल लगाते हुए, देखो मैं पोटेंशियल डिफरेंसेस लिख रहा हूं यहां, प्लस माइनस आईजी इंटू आरजी, और अगर आप यहां देखते हो तो ये प्लस ये माइनस, और यहां पर जो होगा आई नोट माइनस आईजी इंटू एस, दिख रहा है क्या, थोड़े छोटे लिखे पा रहा हूं मैं, दिख रहा है आपको ये सब, ठीक है। तो इसमें केवीएल केवीएल लगवाओ, मान लो मैं यू घूमता हूं, इसमें आप केवीएल लगाएं, सपोज कीजिए हम यू घूम रहे हैं, पहली एंट्री नीचे माइनस से, तो आई नोट माइनस आईजी इंटू एस, और अगली एंट्री प्लस से तो माइनस आईजी इंटू आरजी, और इक्वल टू क्या हो गया जीरो। यहां से मुझे केवल S निकालना है, तो इसको उधर भेजो और फिर उसको नीचे भेज दो, तो देखो S आया आई जी आर जी अपॉन आई नोट माइनस आई जी, ये संट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई, आई जी इंटू आर जी अपॉन आई नोट माइनस आई जी। फॉर्मूला की तरह याद रखना है, बार बार क्वेश्चन में कौन सोचेगा। और स्पेशल केस की अगर मैं बात करूं, अब यूज करेंगे फिर से एनसीईआरटी के लास्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, स्पेशल केस ये है कि बहुत बार सवाल में आपको खुद देखना होगा कि आई नोट काफी ज्यादा दिया होगा आईजी से, एम्पियर में हो माइक्रो एम्पियर में, तो ऐसे केस में आप आई नोट माइनस आईजी को नियरली आई नोट ही लिख देंगे, और आपका संट का फॉर्मूला आया आईजी इंटू आरजी डिवाइडेड बाई आई नोट। चलो उसी एनसीईआरटी पेज नंबर 172 पे, और जो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है उस एक्सरसाइज का वो देखिए एक बार। हम एनसीईआरटी पेज नंबर 172 फोर्थ चैप्टर के क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 4.28 उस पर गए हैं, वो देख रहे हैं। इसमें दिया है गैल्वेनोमीटर कोइल हैज रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम, पहली चीज आरजी, आरजी आपको दिया 15 ओम, एंड द मीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ 4 मिली एम्पियर, आईजी 4 मिली एम्पियर, हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इंटू एन एमीटर ऑफ रेंज 0 टू 6 एम्पियर आई नोट। आप देख लो यार बुक है तो आप पीछे देख लो उसमें कि क्या दिया है क्या नहीं, क्या क्या बोला आपने, क्या आंसर है 10, क्या आगे कोई यूनिट बोलो, देखो हमने अभी भाई पैरेलल में संट लगाना उसकी वैल्यू निकाली, क्या फॉर्मूला आया था अभी संट का बताओ, आईजी इंटू आरजी अपॉन आई नोट माइनस आईजी। अब मुझे लग रहा है यहां आई नोट माइनस आईजी घटाना कोई लॉजिकल नहीं होगा शायद, क्योंकि ये तो 6 एम्पियर और वो तो मिली एम्पियर में ही पड़ा है, 6 एम्पियर में से मिली एम्पियर आप घटाओगे तो यहां बोल सकते हो कि आई नोट इज वेरी मच, क्या आ गया, ठीक है, तो आई नोट माइनस आईजी को आई नोट माइनस आईजी को आप 6 ही ले लेंगे, देख लेते हैं एक बार यहां से वेरीफाई कर देते हैं, आईजी 4 मिली 10 टू पावर माइनस 3 इंटू आरजी 15 और आई नोट माइनस आईजी को मैंने लिख दिया 6, तो ये आया 15 इंटू 4 60 बाई 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 3
यानी कि 10 मिली ओम, ये है क्या आंसर पीछे, ठीक है 10 मिली ओम। तो देखो इन दोनों सवालों में अलग अलग बात है, पिछले में हम घटा पा रहे थे तो स्पेशल केस पे जाने की जरूरत नहीं थी, यहां 6 एम्पियर में से 4 मिली एम्पियर क्या घटेगा, फालतू की कैलकुलेशन पड़ेगी तो इग्नोर किया, तो यहां स्पेशल केस से डायरेक्ट आंसर आ रहा है। तो हां जी एक मिनट, क्या फॉर्मूला लगाया था, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू, तो यार वो तो उससे कहा निकल रहा हो, तो यही बन गया ये फॉर्मूला, S इज इक्वल टू आई आर, उससे कैसे आंसर आ सकता है S, अरे ये तो बाई चांस कोई हो सकता है मिली में ना आ रहा हो, कुछ और आ रहा हो, ऐसे तो नहीं आएगा ना V इक्वल टू, अच्छा तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आप पहले वोल्टेज निकाल के उससे कर रहे हो, कोई बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला है उसको अप्लाई करके देख रहे थे कि भाई ये याद हो जाए तो हम सीधा अप्लाई कर देंगे यहां पे, ठीक है आप वाला तरीका भी बताऊं क्या, या हो गया है वो, ठीक है ठीक है ठीक है, उसमें क्या है आपको सर्किट दिमाग में लाना होगा, उसमें कहां कितनी वोल्टेज वो देखना है, ये एक थोड़ा डायरेक्ट फॉर्मूला था तो ये भी हमें याद होना चाहिए। चलो भाई ये कन्वर्जन वाला ये पार्ट तो आया समझ में, हमें एक बार जैसे लास्ट में उसमें एक क्वेश्चन दिया था मैंने कि एमीटर की वहां बताया था कि वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस जितनी हाई होगी एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा आएगी, तो एक इसी तरह का सवाल इसको फिनिश करने के लिए यहां ले लेते हैं, इसी तरह का एक क्वेश्चन, कोई एक मैंने सर्किट बनाया, मान लो मैं छोटा सा ही सर्किट ले रहा हूं, 10 वोल्ट की बैटरी है और सपोज 2 ओम का रेजिस्टेंस है और मुझे करंट मेजर करना है, ये एमीटर लगा दिया इस तरह से, एमीटर में ये ध्यान रखना जिधर से करंट आए वो पॉजिटिव लेना होगा, ये तो मैंने कल बता दिया था, और दूसरा नेगेटिव, इस तरह से कनेक्शन करने होते हैं। तो फाइंड द रीडिंग ऑफ एमीटर इफ, पहला पार्ट एमीटर इज आइडियल, भाई एक केस तो जैसे मैंने वहां लिया था कि वोल्टमीटर आइडियल है, तो यहां भी ले लिया कि एमीटर आइडियल है, एक में उसकी रेजिस्टेंस कुछ 0.5 ओम ले लेते हैं, आर ए 0.5 जैसे उसमें ली थी वैसी, उसमें हम रेजिस्टेंस बहुत बढ़ाते गए, यहां मैं कम करता चलूंगा, तीसरे में और कम कर दीजिए, काफी कम कर दीजिए, जैसे आर ए 5 माइक्रो ओम। हाँ जी अब आप रीडिंग बताते चलो, डायरेक्ट आंसर देते चलो, क्या क्या है फर्स्ट पार्ट का आंसर बताए, पहले का 5, हाँ ये आइडियल है तो 10/2, यानी कि फर्स्ट केस में आंसर आना है 5 एम्पियर, सेकेंड 4, 2 प्लस 0.5, 2.5 10 अपॉन 2.5, और ये देखो बहुत चेंज हो गया भाई, 5 का 4 होना तो बहुत बड़ा परसेंटेज चेंज है, 5 का 4 नहीं हो सकता, तो ये एमीटर अच्छा नहीं है। अब आप तीसरे में बताओ क्या होगा, तीसरे में करने लग गए क्या कैलकुलेशन, जब आप 2 में 5, हाँ 5 ही आएगा, 2 में ये जोड़ोगे 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये इतना छोटा है यार, नियरली आप इसे 2 ही लिख सकते हो, 2 लिखोगे तो पूरे का 2 हो गया, तो 10/2, तो तीसरे केस में भी आंसर नियरली क्या होगा, 5 एम्पियर, यानी कि एमीटर अच्छा वो है जिसकी रेजिस्टेंस बहुत छोटी हो और वोल्टमीटर अच्छा वो है जिसकी रेजिस्टेंस बहुत बड़ी हो। क्या ये बताओ क्या कन्वर्जन एमीटर वोल्टमीटर ये सारा क्लियर हो गया है कि नहीं आपको, ठीक है अब मैं इसमें एक आखिरी पॉइंट आज का बताता हूं यहां पे इसी कन्वर्जन से रिलेटेड। देखिए मान लो एक गैल्वेनोमीटर था, आपको एक गैल्वेनोमीटर दिया था आर जी कोमा आई जी, सबसे पहले इसकी रेंज बताओ, अगर ये करंट मेजर करता तो कहां से कहां तक मेजर कर पाता, अगर ये करंट मेजर करता तो कहां से कहां तक मेजर कर पाता, 0 से आई जी, अगर ये वोल्टेज मेजर करता तो कहां से कहां तक कर पाता, 0 से आई जी इंटू आर जी, ये था।
अब मैं इसकी रेंज n टाइम्स बढ़ाना चाहता हूं, अलग अलग, एक बार मैं एमीटर बनाऊंगा n टाइम्स ज्यादा रेंज का और एक बार वोल्टमीटर। मैं यहां से एक बार इसे मैं बना रहा हूं एमीटर। तो एमीटर बनाने का तरीका यह है कि जो भी गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस थी आपने उसके सीरीज में ना सॉरी उसके पैरेलल में कोई संट रेजिस्टेंस लगाई, जिससे कि इसकी जो रेंज है वो पहले थी जीरो से आईजी और अब मैं कहता हूं एन टाइम्स इंक्रीज होगी जीरो से एन आईजी हुई। और एक बार मुझे वोल्टमीटर बनाते समय ये काम करना होगा, एक बार मुझे वोल्टमीटर बनाते समय ये काम करना होगा। वोल्टमीटर बनाने के लिए मैंने क्या किया कि जो गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस थी आर जी उसके साथ सीरीज में कुछ कनेक्ट किया आर एस और ये बन गया मेरा वोल्टमीटर, ये बना था एमीटर। बताओ इसकी रेंज बताओ कितनी है वोल्टमीटर की रेंज, मैंने कहा एन टाइम्स बढ़ गई, बोलिए। नहीं यार नहीं, जो मैं बोल रहा हूं पूछना चाह रहा हूं वो देखो बोर्ड पे, मैं कह रहा हूं मैं एन टाइम्स बढ़ा के रेंज बना रहा हूं। ये एक गैल्वेनोमीटर था जिसकी करंट मेजरमेंट की रेंज थी जीरो से आईजी और जिसकी वोल्टेज मेजरमेंट की रेंज, अरे रुको तो मैं क्या बता रहा हूं यहां पे, एक रिजल्ट की तरफ हम जा रहे हैं वो समझो। एक गैल्वेनोमीटर था उसकी करंट मेजरमेंट की रेंज थी आईजी तक और उसकी वोल्टेज मेजरमेंट की रेंज थी आईजी आरजी तक, मैं उनकी रेंज एन टाइम्स बढ़ाना चाहता हूं, यानी कि जो करंट पहले आईजी तक ही मेजर हो रहा था अब वो कितना मेजर होगा एन आईजी तक। आपने एमीटर की रेंज एन टाइम्स कर दी, उसके लिए मैंने पैरेलल में कोई शंट लगाया, फिर एक बार मैंने दोबारा से उसकी वोल्टेज मेजरमेंट की रेंज एन टाइम्स बढ़ा दी, तो पहले वो आईजी आरजी तक ही मेजर कर पा रहा था जबकि अब वो मेजर कर पाएगा एन टाइम्स आईजी इंटू आरजी। तो मेरा सवाल यह है इस आरजी एस और आरएस इनमें क्या रिलेशन होता है, ये आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रखना है, प्रूव भी आप करेंगे कि यहां रिलेशन होता है कि आरजी इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, आरजी इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एस संट रेजिस्टेंस एंड आरएस। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है बताना, दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन, अच्छा दो नंबर है ए और बी उनका अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ए प्लस बी बाई टू और उनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, ए इंटू बी और पूरे की पावर हाफ पूरे का अंडर रूट। यानी कि मेरे पास एक फॉर्मूला है इन तीनों में रिलेशन का कि आर जी दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस इंटू आर एस। पहली बात ये रिजल्ट, भाई देखो कुछ तो छोटे रिजल्ट हम याद करें तभी तो क्वेश्चन थोड़े जल्दी होंगे, इसको प्रूव करेंगे हम, ऐसा नहीं है कि बिना प्रूफ आप चल रहे हैं, इसको प्रूफ के साथ लेके चलेंगे, लेकिन आप रिजल्ट को समझिए इस क्लास में, प्रूफ आप करेंगे यार घर से आप प्रूफ करेंगे, कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा, पहले इधर सुनो। ये गैल्वेनोमीटर दिया है आरजी आईजी, आप बताओ अगर मुझे करंट बनाना हो सॉरी एमीटर बनाना हो और उसकी रेंज करनी है एन आईजी, तो पीछे जिस चीज को हम आई नोट बोल रहे थे उस आई नोट की वैल्यू कितनी होगी अब एन आई जी, तो क्या संट निकालने का फॉर्मूला था मेरे पास, अभी हमने पिछले सवाल में यूज किया था एनसीईआरटी वाले में, क्या क्या फॉर्मूला था संट का एस का, आई जी इंटू आर जी, हाँ तो आई जी इंटू आर जी अपॉन आई नोट माइनस आई जी, तो उस आई नोट की जगह आप रख देना एन आई जी। तो देखो अगर आपको फॉर्मूला लगा ही लो चलो यहां पे, तो जो संट हमें यूज करना है एस क्या बनेगा, आई जी इंटू आर जी अपॉन आई नोट माइनस आई जी और आई नोट की वैल्यू है एन आई जी, तो एन आई जी माइनस आई जी करोगे तो आई जी कॉमन आएगा और ये बचेगा एन माइनस वन, आई जी से आई जी कैंसिल। पहले आप बताओ संट निकालना आ गया कि नहीं, कैसे निकाला हमने, अब आप बताइए मुझे आर एस का क्या फॉर्मूला था, आर एस का फॉर्मूला तो थोड़ी देर पहले हमने यूज किया था, बताओ अभी वोल्टमीटर जब पढ़ रहे थे वोल्टमीटर कन्वर्जन
स्पेशल केस तो बाद की बात है, उससे पहले जो हमने फॉर्मूला यूज किया था आर एस का क्या था बोलो यार, वी नॉट अपॉन आई जी तो एक स्पेशल केस था, उससे पहले कुछ आया था, वी नॉट अपॉन आई जी तो स्पेशल केस था, उसका फॉर्मूला था वी नॉट अपॉन आई जी माइनस आई जी आर जी सॉरी माइनस आर जी। तो अब देखो वी नॉट की वैल्यू कितनी है, यही तो है जो आपने रेंज बढ़ाई है, तो वी नॉट की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, एन आई जी आर जी, तो वी नॉट की जगह मैंने पुट किया एन आई जी आर जी, आ रहा है ना समझ में कि नई रेंज वो बनानी है, उस वी नॉट को ये बोल दिया, आई जी से आई जी कैंसिल, आर जी एन आर जी माइनस आर जी, तो जो आपका आर एस आया आर जी कॉमन आया और अंदर बचा एन माइनस वन। आप बताओ क्या ये दोनों इक्वेशंस बनानी आ गई है? हाँ जी, कोई डाउट है क्या इनमें, ये कैसे बनाई हमने? ठीक है, तो अब देखो मेरी एक इक्वेशन आई एस बराबर आर जी अपॉन एन माइनस वन, एस बराबर आर जी अपॉन एन माइनस वन, जो मेरी सेकेंड इक्वेशन है वो आई आर एस बराबर आर जी इंटू एन माइनस वन। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एस इंटू आर जी इज इक्वल टू एस इंटू आर एस इज इक्वल टू एन माइनस वन से एन माइनस वन कैंसिल और ये बना आर जी का स्क्वायर, और यहां से अगर आप आर जी निकालोगे तो ये आ गया अंडर रूट ऑफ एस इंटू आर एस। क्या ये रिजल्ट अब समझ में आ गया है या नहीं, क्या था? हाँ जी बताओ, प्रूफ मैंने करवा दिया आपको, रिजल्ट बस फाइनली दोबारा बताता हूं कि अगर कोई गैल्वेनोमीटर है उसकी रेजिस्टेंस है आर जी, आप उसको एन टाइम्स रेंज बढ़ा के एमीटर बनाना चाहते हो, उसके लिए एक संट एस यूज किया, आप उसको एन टाइम्स रेंज बढ़ा के एक वोल्टमीटर बनाना चाहते हो, उसके लिए आपने सीरीज रेजिस्टर यूज किया आर एस, तो उस एस और आर एस और ओरिजिनल आर जी में ये रिलेशन है कि आर जी इज देयर ज्योमेट्रिक मीन, मीन्स आर जी इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू आर एस, क्वेश्चन में यूज हो सकती है इस तरह की बातें, आप ध्यान रखना। चलो अब आज ये बताओ भाई, पूरा कन्वर्जन वाला पार्ट मुझे लगता है अब तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, आज इस पूरी क्लास में अच्छे से कवर भी हुआ है पूरा। दूसरी बात, मैं बाकी काम हम अगली क्लास में करेंगे,